Good morning, dear kids. Today we are reading an interesting story, and the name of the story is The Bubble, the Straw, and the Shoe. So before starting this story, we will learn the new word of this story. New words. Shoe, shoe. This is shoe. Bubble, bubble. The child is blowing bubbles. Straw, straw, straw. Forest, forest, forest. Stretch, stretch. She is stretching her arms and legs. Stretch. River bank. This is river. River. This is river bank. The girl is sitting on the रिवर बैंक. ये लड़की नदी के किनारे बैठी है. रिवर बैंक. सुक विथ लाफ्टर. इट इज सुक विथ लाफ्टर. बर्स्ट, बर्स्ट. द बैलून बर्स्ट. ये बैलून फट गया है, बर्स्ट हो गया है. स्प्लैश, स्प्लैश. द किटी स्प्लैशिंग द वाटर. ये किटी वाटर उड़ा रही है, स्प्लैश कर रही है, पानी के छींटे उड़ा रही है. स्प्लैश. लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम there lived a bubble, a straw and a shoe. तो एक बार की बात है, वहाँ three friends रहते थे. They are shoe, straw and bubble. One day they went into the forest. एक दिन वे forest गए. This is the forest. They came to a river. दो तीनों friend river में आए, नदी में आए. This is river. They did not know how to cross it. They did not know. K is silent here. यहाँ पे हम K को pronounce नहीं करेंगे. No means वो लोग नहीं जानते थे कि हम इस river को कैसे cross करें. The Sioux said, "Bubble, let us float on you." Sioux said. Sioux ने कहा, "Bubble, हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करते हैं." तो बबल फ्लोट कैसे करता है? दिस इज बबल एंड बबल फ्लोट ऑन द वाटर. तो शू कहता है कि तुम वाटर में, रिवर में जाओ और हम सब तुम्हारे ऊपर फ्लोट करके, तैर करके क्रॉस कर जाएंगे. नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ. बबल ने कहा, नो सू, ऐसा करते हैं, स्ट्रॉ को खुद को स्ट्रेच करने देते हैं. हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो नदी के एक बैंक से, एक किनारे से दूसरे बैंक तक स्ट्रॉ खुद को स्ट्रेच कर लेगा, खींच लेगा. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. तब हम रिवर को
क्रॉस कर सकते हैं। हियर इज द स्ट्रॉ। एन स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक ऑफ रिवर टू द अदर बैंक। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। When the shoe jumped on the straw, it broke. When the shoe jumped on the straw, it broke. तो जैसे ही shoe इसके ऊपर jump करता है, straw broke हो जाता है, टूट जाता है. The shoe fell into the water. और shoe पानी में गिर जाता है. फेल हो गया। विथ अ लाउड स्प्लैश, और बहुत जोरदार स्प्लैश के साथ छींटे उड़ाते हुए बहुत जोर से वो पानी में फेल हो गया। द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर। तो बबल जोर जोर से हिलते हुए हंसता है। ही लाफ and laugh, he shook, and burst with a big bang, और बहुत जोर के big bang की आवाज के साथ वो फट जाता है, burst हो जाता है, burst. So this was the first story of three friends. Reading is fun. Name the three friends. Name the three friends. Answer. The three friends are shoe, bubble and straw. The three friends are shoe, bubble and straw. Question number 2. Where did they go? One day, एक दिन वो कहाँ गए? Where? One day they went into a forest. एक दिन वे forest गए. What did they want to do? What did they want to do? वो क्या करना चाहते थे? They wanted to cross the river. They wanted to cross the river. वो river को cross करना चाहते थे. Let's talk. Question number 1. How do you make bubbles? How do you make bubbles? आप bubble कैसे बनाते हैं? I make bubbles using bubble mixture or soap. मैं bubble mixture यूज करके bubbles बनाता हूँ, या फिर soap साबुन यूज करके मैं bubbles बनाता हूँ. What do you wear on your feet? What do you wear on your feet? आप पैरों में क्या पहनते हैं? क्या wear करते हैं? I wear slippers and shoes on my feet. I wear slippers and shoes on my feet. तो मैं अपने पैरों में या तो shoes पहनता हूँ या फिर स्लीपर्स चप्पल पहनता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू क्रॉस द रिवर आप रिवर कैसे क्रॉस करते हैं? आई क्रॉस द रिवर यूजिंग द बोट और ब्रिज. आई क्रॉस द रिवर यूजिंग द बोट और ब्रिज.
मैं रिवर क्रॉस करने के लिए बोट नाव यूज करता हूँ या फिर ब्रिज पुल जो नदी के ऊपर बना होता है उसको यूज करके रिवर क्रॉस करता हूँ। लेट्स शेयर। पुट द डूइंग वर्ड इनटू द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वाक्य होते हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे फिनिश होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और उन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको डूइंग वर्ड्स इनमें रखने हैं। तो डूइंग वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, जिसमें कुछ एक्शन होता है लाइक जंप, वॉक, ईट, दीज ऑल आर डूइंग वर्ड्स। और यहाँ पे जो आपको डूइंग वर्ड्स दिए हैं वो है जंप्ड, शुक, स्ट्रेस्ड एंड बर्स्ट। द स्ट्रॉ स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। द सू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। द सू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ द बिग बैंग। Shook and shook with laughter and burst with a big bang. Trace the journey of a tadpole. तो tadpole frog का एक young one होता है, छोटा baby होता है। लेकिन ये tadpole frog जैसा नहीं दिखाई देता। It looks like a small fish. ये छोटी सी fish जैसा दिखाई देता है और ये develop होके frog बन जाता है। तो हमें इसके डेवलपमेंट को ट्रेस करना है। वी विल ट्रेस द लाइन लाइक दिस। मैच द बॉल विद द नंबर। सबसे पहले हमें ये नंबर्स ट्रेस करने हैं, उसके बाद हमें बॉल को काउंट करके और राइट नंबर के साथ उसे मैच करना है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।